तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू जो रेल गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थोड़े कॉमेडीज वीडियो, नहीं मतलब कॉमेडीज नहीं मतलब यूट्यूबर के वीडियो, जैसे मिट पैट। आज तो हम मिट पैट देखेंगे और ये है जोहेर रिएक्ट्स। हाँ, ये जोहेर रिएक्ट्स है। तो जोहेर रिएक्ट्स ये चैनल तो नहीं है, लेकिन वो जोहेर अली गेमर्स पेज है और मैं जोहेर रिएक्ट्स मैं इसलिए बना रहा हूँ, मज़ा आता है यार जोहेर रिएक्ट्स में भी, जैसे कि जोहेर रिएक्ट्स ऐसा लोग ऐसा चिल्लाना चाहिए। मैं बड़े होकर तो मैं बनूँगा तो क्रिकेटर, और जब मैं क्रिकेटर बनूँगा ऐसा मैं ग्राउंड में मैदान में उतरते ऐसा सब चिल्लाना जोहेर, जैसे माही चिल्लाते वैसा जोहेरू चिल्लाना। यार लैपटॉप पे पानी गिर चुका है, मतलब ये मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे मम्मा का लैपटॉप है, इसीलिए थोड़ा यार लैपटॉप पानी से ख़राब हो जाता है। हाँ, तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मिथ पैट के पोकेमॉन एडवेंचर बिगिंस पार्ट वन। हम ऑलमोस्ट इसके पार्ट नाइन तक है, हम चलो हम ये रिएक्ट करेंगे। मिथ्री एच मिथ्री एच ऐसा करता ना मिथ पैट, लेकिन हम जोहेर रिएक्ट करिए। तो एक मिनट में शुरू से लगा दो पूरी वीडियो, मैं को ये पसंद ऐसा देखना, लेकिन मैंने सोचा जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गाइस के साथ देख लेंगे। एक मिनट कपड़े चलना पल्ले फील हो जाए पल्ले। 15 मिनट रील देखूंगा बोल रहा है ना अभी। यार गाइस मैं कपड़ा लेके आता हूँ, मिल गया कपड़ा, लैपटॉप साफ कर दिया कपड़े से, मेरे हाथ अभी साफ करो, कोई कच्चा है मेरा हाथ। लैपटॉप को पढ़ना है इसलिए उन्हें गाइस मुझे बाय द वे पसंद है पोकेमॉन, मैं इसलिए मैं एवरीडे पोकेमॉन डे ऐसा बनाया। आज पार्ट वन है, कल पार्ट टू एपिसोड वन, लेट्स गो। हैं गाइस रुको, बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरा बचपन वापस आने वाला है। आई डोंट नो पोकेमॉन, ये है पैट अगर आपको ना मालूम तो। ये कितने मिनट की वीडियो है मानो, ये 26 मिनट की वीडियो, मैं 14 मिनट तक बनाऊंगा फिर पार्ट टू बनाऊंगा इसके बाद। ये वीडियो बनाने के लिए क्योंकि ये सब जो गेम है मैंने बहुत खेले बचपन में, ये गेम अच्छी होता 4000 रुपये में भरा है गेम का, ताकि मैं दिखा सकूँ। एंड अगर तुम लोगों को सच्ची में इसका पार्ट टू देखना है जो मैं बनाऊंगा, और मालूम है मैं सब चीज़ें आने आने छोड़ देता हूँ, लेकिन इसका पार्ट टू बनाऊंगा, अगर तुम लोग को देखना है तो प्लीज़ एक लाइक मार दो ताकि मुझे समझ जाए कि इसका पार्ट टू चाहिए। गाइस आपको जो भी पोकेमॉन में अच्छा दिखता है, अगर आपको चारमंडल अच्छा दिखता है तो लाइक कीजिए, बल्बसौर अच्छा दिखता है तो कमेंट नहीं शेयर कीजिए, और अगर आपको स्क्वेडल अच्छा दिखता है तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। ये
बचपन में जब सुनता था ना कुछ कुछ होता था, इसका नाम पहले प्रोफेसर ओक है, ये एक्चुअली हमें सबसे पहला पोकेमोन देता है। इसके पास आई थिंक पिकाचू है अभी, मैं बता रहा हूँ ये पूरे गेम में बस ज्ञान देता रहता है, बहुत बड़ बड़ करता है ये, हमें ये सब सुनने की जरूरत भी नहीं है। इसका नाम रुको मैं बताता हूँ, ये जो पोकेमोन आया ना ये क्यूबोन, क्यूबोन पिकाचू, इसका नाम है बोन बोन कुछ, क्यूबोन क्यूबोन है शायद इसका नाम, क्यूबोन है कमेंट में बता मुझे। ओ ऑडिश डिग्लेक उसका नाम नहीं मालूम, वो जो उड़ रहा है ना वो पक्षी उसका नाम पिजोट है, व्हाई डू यू टेक मी फॉर योरसेल्फ, कुछ किया रहा है, आई थिंक मैं पुराना याद कर रहा हूं ना, सब कुछ किया रहा है, कोई भी ले रहा है क्या फर्क पड़ता है। तो गाइस आई थिंक सो इन्हें ऐश रखता है अपना नाम, इतना तो आता है मुझे, और ये पोकेमोन में पिकाचू ही लेता है हमेशा, तो आई थिंक इन्हें पिकाचू लेगा, पिकाचू का मालिक है भाई, मैं कितना एक्साइटेड हूं। देखिए सच बताऊं 10 साल के बाद मैं पोकेमोन का गेम खेल रहा हूं, मेको जो है पोकेमोन में मुझे तो चार्मेंडर पसंद है, क्योंकि उसका जो एवोल्यूशन चैरिज़ार्ड है उसका बिरयानी बना के खाने में क्या टेस्ट, यहाँ पे बिरयानी, ये मैं खेल तो सब गेम गाइस कल इसका आएगा पार्ट 2, डॉन और दूसरा है गेंगार, यहाँ पे भी किताबें हैं, इनको मैं पढ़ूंगा नहीं, हम डायरेक्ट पकड़ेंगे। ये क्या वो वर्ल्ड मैप, वेट वेट वेट, हाउ मेनी पोकेमोन आर देयर इन द वर्ल्ड, कितने पोकेमोन, आई थिंक पहले सीजन में 150 पोकेमोन होते हैं, तो बाद में तो बहुत सारे आए थे, तो आई थिंक 900 पोकेमोन थे टोटल, आपको मालूम है कितने हैं मुझे प्लीज बताओ कमेंट में, मुझे लेटेस्ट पोकेमोन इतने मालूम नहीं है। आई एम कमिंग अप, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, मम्मी आ रही होगी, मम्मी हमेशा आती है, मेरी मम्मी, ओ अच्छा ये गैरी है, कौन है यश, आप स्टूडेंट जो भी है बड़बड़ बात नहीं करो, वी आर फाइनली गोइंग टू गेट आवर फर्स्ट पोकेमोन फ्रॉम प्रोफेसर ओक। तो हाँ मैं बताना भूल गया, प्रोफेसर ओक जो होते हैं वो टाइम पास बहुत करते हैं, लेकिन हमारा जो पहला पोकेमोन होता है वो हमें देते हैं हर गेम में, वो वेट आई थिंक ओ ये बंदा दौड़ के गया, यानी कि इसको सबसे पहले पोकेमोन मिलेगा, लेकिन मुझे चूज करना है, मुझे सबसे पहले बेस्ट वाला पोकेमोन चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी आशीर्वाद आपका बेटा बहुत बड़ा पोकेमोन का ट्रेनर बनने वाला है, दूर से पाया आपको सुखनी सत्तर में स्टेज में देख सकते ना, कहीं मैं स्टेज में देख लेता हूँ कुछ है क्या नहीं है, हमें बहुत बड़े एडवेंचर पे जाने का, तो सब सामान वामान लेके जाते हैं, टीवी पे कुछ अच्छा लगा है शो वो कुछ पिक्चर लगा है तो देख के जाते हैं, और कुछ है नहीं टाइम पास करने जैसा, हर गेम पे टाइम पास नहीं करना होता है, जल्दी से जाते हैं और टाइम पास नहीं करते, नहीं तो हमारा जो पहला पोकेमोन है वो गैरी ले लेगा, और मुझे ये कौन है, शिज़ुका, हाय शिज़ुका, आई एम रेडी पोकेमोन टू, वेट गाइस क्या तुम्हें मालूम है ये जो ये है ना जो रिवर है ना उसके वो साइड अगर हम लोग गए ना कुछ तो खतरनाक होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है लेकिन होता है कुछ, तो ये कौन है ये आई डोंट नो, मुझे किसी बात नहीं करनी अभी फिलहाल। तो गाइस ये पार्ट 1 में तो इतना ही दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी काम रहता है यार भाई, मेरे काम रहता है, कल हम देखेंगे एपिसोड 2 मिड पैट पोकेमोन, और मैं उसके बाद फ्लैशबैक भी बोल दूंगा आपको एपिसोड 1 में क्या हुआ था, और हाँ और मैं आज ही पोस्ट करूंगा, मैं जो मैं चैलेंज में बोला था वो मत सुनो, मैं आज ही पोस्ट करूंगा पोकेमोन डे, तो ओके टाटा बाय बाय, सी यू।